तो गाइस पहले रास्ता ये था यहाँ पे आने का, इसे अंदर जाके फिर घूम के आना पड़ता था। और अभी जो रास्ता मैं आपको दिखा दूंगा कैसा है इस मंदिर का। तो गाइस आज हम आपको दिखाएंगे नरसिंह भगवान का मंदिर, तो इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। जी आपका शुभ नाम? गोकुलचंद शर्मा। और ये मंदिर कहाँ पर है? मावा कुंडा धाम। और इस मंदिर की खासियत क्या है? मंदिर 800 साल पुराना है। 800 साल पुराना है। ये कोई राजा का गढ़ था, उसने बनाया था ये मंदिर। अच्छा, और अभी पूजा आप ही करते हो? हाँ मैं ही करता हूँ सर। कितने साल से रहते हो यहाँ? हाँ यहाँ मैं तो जन्म से ही रहता हूँ। जन्म से रहते हो? हाँ। एक एक साल जन्म में दो भाई हैं। आपका परिवार ही करता है? आपका परिवार 800 साल से? 10 पीढ़ी हो गई हमारे यहाँ। 10 पीढ़ी हो गई आपको? पहले साधु थे। इससे पहले साधु थे, साधुओं की हमारे यहाँ चरण पादुका लगी हुई है सबकी। बहुत पुराना 800 साल पुराना मंदिर है ये। तो गाइज आज हम आ चुके हैं नरसिंह भगवान के मंदिर के अंदर। तो ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ से आता है इस मंदिर का रास्ता, और मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ। बहुत बड़ा मंदिर है, तो देख लीजिए ये है मंदिर, और ये है शिव जी का मंदिर, और ऊपर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये है नरसिंह भगवान का मंदिर। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से जाता है इसका रास्ता। तो हम चलते हैं और आपको कराते हैं पूरे मंदिर के दर्शन। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ से जाता है इसका रास्ता, तो देख लीजिए ये जो पेड़ है काफ़ी पुराना है और काफ़ी विशाल पेड़ है। तो देख लीजिए ऐसा है कुछ मंदिर ये पूरा, और मेन मंदिर है उसके पहले आपको दर्शन कराते हैं हम है। और जो इसको अब रिपेयर करा दिया गया है, इसके पहले की भी तस्वीरें जब यहाँ पर राजा ने ये मंदिर बनाया था ये देख सकते हो कैसा था, उसकी भी तस्वीरें इस मंदिर के अंदर है, वो भी आपको दिखाएंगे। और ऐसे कुछ पेड़ है यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर। तो गाइस यहाँ से जाता है इस मंदिर का रास्ता, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये पूरा मंदिर। तो गाइस ये है इसकी सीढ़ियाँ, तो चलते हैं ऊपर और आपको कराते हैं महाराज के दर्शन। और यहाँ पर पंडित जी रहते हैं, उनसे भी इंटरव्यू लेंगे कि कितना पुराना ये मंदिर। 600 साल बता रहे हैं, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, तो पंडित जी से पूछेंगे, वो बताएंगे कितना पुराना है। तो मैं ऊपर चढ़ के फिर आपको दिखाता हूँ पूरा मंदिर। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक बड़का पेड़ है, काफ़ी ऊपर हाइट है इसकी। और यहाँ पर देख लीजिए ये भी पूरे जंगल के अंदर है, दूर दूर तक आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होगी। आसपास में कोई भी घर नहीं है सिवाय इस मंदिर के, और ऐसी कुछ हरियाली है यहाँ पर। तो गाइस जंगल के अंदर जो भी मंदिर होते हैं वहाँ पर हरियाली देखने लायक होती है। देखिए कितना अच्छा पहाड़ है, और इधर काफ़ी सारे पहाड़ है जो हरियाली से ढके हुए हैं। तो गाइस चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर। तो गाइस हम आ चुके हैं मंदिर के मेन गेट पर, तो आप देख सकते हैं जैसे राजा महाराजा का महल होता था वैसा इसका डिजाइन है, और ये इसका मेन गेट। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर एक बार। यहाँ से मैं आपको व्यू दे देता हूँ, देखिए ऐसा कुछ है, और मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर। तो ये है पूरा मंदिर, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी से इसके पट बंद है, पर आपको हम खुला के दर्शन करा देंगे। और ये इसके फेरी देने के लिए, तो चलते हैं गाइज। और आपको देखिए यहाँ पर भी नारियल वगैरह बांधे हुए हैं, तो वो मन्नत जो मांगते हैं उनके लिए ये नारियल वगैरह बांधते हैं। ऊपर से कुछ ऐसा है गाइज, अब उसको फिर से नया बना दे। और यहाँ से कुछ ऐसा है देख लीजिए, ऊपर लाइटें वगैरह पंखे वगैरह सब कुछ लगाए हुए हैं, काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। तो गाइस ये है भंडार, तो गाइस ये है भंडार, आप देख सकते हो कितना बड़ा है, देख सकते हो ये है इस मंदिर का भंडार। और काफ़ी बड़ा मंदिर है देख सकते हो आप, ये इसका मेन गेट जहाँ से अभी हमने एंट्री ली थी। और ऐसा कुछ जालियाँ वगैरह यहाँ पे लगी हुई है, और काफ़ी बड़ा मंदिर है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए इसका काम अभी चल रहा है, वायरिंग वगैरह यहाँ पर होनी बाकी है थोड़ी बहुत।
बेस की रिपेयरिंग करके इसको अच्छा बना दिया गया है, और अंदर का जो ढांचा है वो वही पुराना है जैसा था। तो गाइस ये है पूरा मंदिर, और काफ़ी बड़ा मंदिर है। मैं आपको अंदर से दर्शन करा देता हूँ लक्ष्मी मंदिर। तो यहाँ से जाता है रास्ता, और ये है गाइस मंदिर 600 साल पुराना। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो लक्ष्मी जी और विष्णु जी की तस्वीर लगी हुई है, और यहाँ पर साइड में ऊपर नरसिंह भगवान की तस्वीर लगी हुई है, आप देख सकते हो। ये है पूरा मंदिर का लुक, ये देखिए यहाँ पे सफाई चल रही है इस मंदिर। तो ऐसा करके ये पूरा मंदिर है, काफ़ी बड़ा है देख लीजिए। और इसके पट अभी बंद है, और हमने इसके पट खुला के एक बार यहाँ का वीडियो आपको दिखा दिया है। तो ऐसा कुछ है, देख लीजिए पूरा मंदिर। पहले तो राजा का गढ़ था, उस टाइम का बना हुआ है। तो गाइस जब यहाँ पे राजा का गढ़ था उस टाइम का बना हुआ है, और उस टाइम पे देखिए इस मंदिर इतना पुराना था और ऐसा था, इसको फिर से रिपेयर किया गया है। तो मैं आपको एक एक फ़ोटो फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसी कैसी है। ये मंदिर तो अभी 10 साल से बना है गाइस, और ये 800 साल पुराना है। तो आप देख सकते हो पहले कितने खंडर हालत के अंदर था, और उसको अब रिपेयर करके फिर से सही किया गया है। ये देख लीजिए इसकी तस्वीरें अभी भी यहाँ पर लगी हुई है। तो आप देख सकते हो काफ़ी पुरानी तस्वीरें हैं, और यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देख लीजिए पहले ऐसा था, और मैं आपको पूरी फोटो एक बार दिखा देता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ था पहले ये मंदिर, और अब कैसा है आपने देख लिया। तो भाई पहले रास्ता ये था यहाँ पे आने का, इसे अंदर जाके फिर घूम के आना पड़ता था, और अभी जो रास्ता मैं आपको दिखा दूँगा कैसा है इस मंदिर का। तो भाई हमने आपको जो मंदिर दिखाया पहले ये ऐसा था, और इधर देख लीजिए इसके पहले की तस्वीरें, ये देख लीजिए काफ़ी सारी यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है, और इसको फिर से रिपेयर करके ऐसा बनाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर तो गाइस ये है मंदिर के ट्रस्टी, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से इसके ट्रस्टी हैं, आप नाम वगैरह देख सकते हो। अगर आपको देखना है तो वीडियो रोक के भी देख सकते हो, मैं आपको एक बार पूरा नाम वगैरह यहाँ के दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो बहुत पुराना मंदिर है, तो आपको एक बार लीजिए पूरा। तो गाइस हम आ चुके हैं नीचे, और यहाँ से आता है ये रास्ता, और यहाँ पर एक कुंड। इसकी खासियत यही है कि यहाँ पर जो भी पानी है ये कभी ख़त्म नहीं होता, आप देख सकते हो यहाँ पर हमेशा पानी आता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। ये भी यहाँ की खासियत है, आप देख सकते हो इस मंदिर की ये खासियत है, यहाँ पर हमेशा पानी आता रहता है। और इधर से आता है इसका रास्ता ऐसे करके, यहाँ से नीचे जाता है, तो आप देख सकते हो। और ये है इसका मेन रास्ता, जहाँ से हमने वहाँ से वीडियो शुरू किया था, आपको वो मंदिर दिखा दिया। और यहाँ पर जो साधु है उन्होंने एक ने समाधि ली थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये देख लीजिए यहाँ पर ली थी समाधि वो बाबा है साधु, उनकी तस्वीर वगैरह ऐसी बनाई हुई है, उन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी। और ऐसा कुछ है ये रास्ता। तो गाइस ऐसा है कुछ मंदिर, देखिए उसमें पास में बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, और ये है वो कुंड जो मैंने आपको दिखाया, ये देख लीजिए। और ये जो मैंने आपको दिखाया काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए। तो ये है गेट इसका, यहाँ से हम जाते हैं बाहर। यहाँ पे आप पेड़ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितना हरा भरा पेड़ है। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये जो पत्थर आपको दिखा रहा है इसका वजन 50 कुंटल है, और यहाँ पर एक गाय का बछड़ा गिर गया था, तो एक आदमी ने इतने बड़े पत्थर को उठा के यहाँ पे रखा था। तो आप देख सकते हो आपको वीडियो के अंदर दिख जा रहा है कितना बड़ा पत्थर है, और इस पत्थर को एक आदमी ने उठाकर यहाँ पर रखा था, ये देख सकते हैं आप। और ऐसा कुछ है ये मंदिर। तो गाइस जी यहाँ से जाता है इस कुंड का रास्ता जाता है, ये देख सकते हो आप। तो देख सकते हो आप ऐसा कुछ है रास्ता यहाँ का आने का। तो गाइस जी यहाँ पर है चबूतरा, जहाँ पर काफ़ी सारे बंदर भी हैं, और यहाँ पर बंदरों को जो भी खाने के लिए डालते हैं वो यहाँ पर डाला जाता है। और ये इस मंदिर का बोल्ड आप देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको ये चबूतरा भी दिखा देता हूँ।
ये है चबूतरा गाइस। यहाँ पर बंदरों के लिए जो भी आते हैं यहाँ पर खाना वगैरह डालते हैं उनको, वो यहाँ पर डाला जाता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए मंदिर के बारे में लिखा हुआ है और इस साइड पे भी लिखा हुआ है, और काफ़ी बड़ा मंदिर है, देख लीजिए। यहाँ से जाती है सीढ़ियाँ और ये रहा वो मंदिर जैसा है पूरा मंदिर। और ये देखिए यहाँ पर जो मंदिर के निर्माण कराते हैं जो सेठ वगैरह, वो बाहर रहते हैं, ये वो आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर रूम बनाया गया है जहाँ पर एसी वगैरह लगाई गई है, आप देख सकते हैं। और इधर से इस मंदिर का मेन गेट जाता है, आप देख सकते हैं। और जो मेन मंदिर है उसकी सीढ़ियाँ यहाँ से जाती है, और ऐसा है कुछ मंदिर। और यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर भी है, ये देख लीजिए, ये है शिव जी का मंदिर। और ऐसा है ये पूरा यहाँ का नज़ारा, देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ है और जंगली इलाका है चारों तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर तक कोई भी घर वगैरह नहीं है, और काफ़ी पुराना है गाइस जी मंदिर। और यहाँ पर देखिए आपको बंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे काफ़ी सारे, और उन के लिए यहाँ पर बनाया गया चबूतरा जहाँ रोटी वगैरह खा लेते हैं, जो भी यहाँ पर चबूतरा बनाया गया है। और यहाँ पर जो भी इनके लिए खाने के लिए लाते हैं फल फ्रूट यहाँ पर डाल देते हैं, वहाँ से ये बंदर खा लेते हैं। और ये है इसका मेन गेट, आप देख सकते हो। और ऐसा है पूरा ये मंदिर, और ये है शिव जी का मंदिर। तो ये कृष्ण लाल जी अग्रवाल, इस मंदिर का निर्माण इन्होंने करा था, और ये पूरा परिवार है इनका, और 15 साल से ये इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और ये उनका इनका पूरा परिवार है, और ये इस मंदिर की देख रेख करते हैं, और इन्होंने पूरा ये मंदिर बनवाया है। तो भाई आज की वीडियो में इतना अच्छा, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइए। मैं एक दिन छोटी एक दिन वीडियो बनाता हूँ, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।